हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द यूथ अकेडमी में। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। मात्र 3 सेकंड में क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अभी सब्सक्राइब मत करिएगा, पूरा देखिए, अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं यूनिट डिजिट। ये आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, इसी प्रकार से हम लोग ये पूरा 1 से लेकर 9 तक यूनिट डिजिट लिख लेंगे। अब ये ऊपर जो टेबल आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर हमें यूनिट डिजिट लिखने हैं और नीचे लिखने हैं नंबर। और अभी हम लिख के इसमें बताते हैं आपको एक एक करके कैसे लिखना है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ऊपर 1 का यूनिट डिजिट 1 होता है, तो ऊपर 1 लिखा और नीचे हमको 1 लिखना है क्योंकि वो 1 में आता है। अगला 8 किस में आता है? 2 में आता है। फिर यूनिट डिजिट 7, 7 किस में आता है? 7 आता है 3 में। एक बार इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं। 4, 4 आता है 4 में। 5 आता है 5 में। 6 आता है 6 में। और 7 आता है 3 में। और एक बार इसको अच्छे से लिख देते हैं, 3 आता है 7 में। और 2 आता है 8 में, 2 यूनिट डिजिट 8 में आता है। और 9 आता है 9 में। तो इस प्रकार आपको ये पूरा, अब इसको लिखने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे। क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं मात्र 3 सेकंड में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी लोग तैयार हो जाइए आगे देखने के लिए। पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके सामने। पहले क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 4096। 4096 बेसिकली 16 का होता है, लेकिन हम लोग इसको कैसे सीखेंगे अपनी ट्रिक से वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्यूब रूट निकालना है हमें, और क्यूब रूट निकालने के लिए पहली स्टेप है कि लास्ट के 3 अंकों को आप राउंड ऑफ कर दें, हटा दें या देखें ही मत। इसके बाद क्या करना है कि लास्ट में देखो, लास्ट में क्या देख रहे हैं आपको, 6। टेबल में देखो 6 किस में आता है? 6 में, तो 6 लिख देना है आपको। अब 6 लिखने के बाद आगे देखो, आगे क्या बचा है? आगे बचा है 4, जो हमने राउंड ऑफ नहीं किया था, 4। अब 4 से छोटा क्यूब देखो, किस नंबर का क्यूब होता है 4 से छोटा? जैसे आप देख रहे हैं 2 का क्यूब 8 है, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं लेना है, छोटा लेना है। 1 का क्यूब 1, तो 4 जो है, 4 1 के क्यूब से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो हमें क्या लिखना है? 1। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये 4096 किसका क्यूब है? 16 का क्यूब है। इसी प्रकार हम लोग बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अभी आप केवल सीखते जाइए, और बिना कॉपी पेन के कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। आप बने रहिए और सीखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 17576 किसका क्यूब रूट है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप वही पुरानी वाली जो मैंने आपको अभी सिखाई थी, कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 डिजिट्स को राउंड ऑफ कर देंगे। 3 डिजिट्स को राउंड ऑफ करने के बाद देखें लास्ट में क्या है, 6। तो 6 का ऊपर टेबल में से हमने ले लेंगे, 6 का क्या आता है? 6। अब आगे देखिए, आगे क्या बचा? 17। अच्छा, 17 से छोटा क्यूब देखना है। 17 से छोटा क्यूब किसका होता है? 8, 2 का, मतलब हमें 2 का क्यूब 8 यानी कि 2 लेना है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 26। तो 26 आपका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप 6 पीछे वाले को पीछे लेकर, और नेक्स्ट स्टेप में आपको आगे वाले से कंपेयर करके लिख देना है। एक क्वेश्चन इसके बाद हम लोग और बनाते हैं, और उसको भी बिल्कुल 3 या 4 सेकंड में हम लोग कर लेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो को पूरा। अंत में हम सीखेंगे कि बिना कॉपी पेन के कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और अगला क्वेश्चन रहेगा 9736 किसका क्यूब होता है। काफ़ी बड़ा नंबर है ये, लेकिन फिर भी हम इसको बड़े आराम से कर लेंगे। सबसे पहले वही पुरानी स्टेप कि आपको देखना है कि 3 डिजिट्स को राउंड ऑफ कर दें। ये भी इत्तेफाक है कि हमने जो तीनों क्वेश्चन लिए वो में लास्ट में 6 आ रहा है। अभी मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में 6 का 6 लिख लिया। अब इसके बाद आपने देखा 97 से छोटा क्यूब किसका होता है? 4 का 64 होता है, यही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 5 का तो ज़्यादा हो जाएगा, हमेशा नंबर से छोटा। तो 4 का 64 का 4 ले लिया, और आपका आंसर आ गया क्या? 46। तो 9736 किसका क्यूब था? 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं फटाफट से। 32768 ये किसका क्यूब रूट है? फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 डिजिट्स को राउंड ऑफ कर दीजिए। लास्ट में क्या आया? 8 देखिए ऊपर टेबल में, 8 के बदले में हमें क्या लिखना होता है? 2। तो हमने सबसे पहले 2 लिखना है। आगे देखा, आगे नंबर कितना क्या है? 32। 32 से छोटा क्यूब देखिए, 4 का 64 बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना है? 3 का 27। 4 का 64 नहीं लिखना है, 3 का 27 लिखना है। हमेशा छोटा क्यूब ले लीजिए।
तो 3 का 27 हम लोग लिखने के लिए 3 ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है, ये 32। तो ये आपने इस प्रकार करना सीख लिया होगा आई होप। एक अगला क्वेश्चन और बना लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110592। 110592 किसका क्यूब है ये मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। और सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट को राउंड ऑफ कीजिए। लास्ट के 3 डिजिट को राउंड ऑफ करने के बाद देखिए 2 ऊपर टेबल में, देखिए 2 किसके में आता है, 8। 2 का यूनिट डिजिट जो है वो 8 नंबर होता है, तो हमने 8 लिख लिया है। अब 110, 110 से छोटा जो है 5 का 125 हो जाएगा, 5 का 125 ज़्यादा है, हमें लेना है क्या 4 का 64, तो आंसर आ जाएगा 48। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, और अभी बस थोड़ी देर बाद मैं आपको बिल्कुल इसको किस प्रकार करते हैं बिना कॉपी पेन के, ये इतना झमेला किए हुए बिना, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जल्दी से देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब तक आप वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो, बाकी अपने दोस्तों तक पहुंचा दें। सब्सक्राइब वीडियो को लास्ट में करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको देखा, आपने देखा होगा कि 1 से लेके जो 9 तक ये क्यूब लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपको पहले से याद होंगे। ये 1 से लेके जो 9 तक क्यूब लिखे हैं ये आपको पहले से याद होंगे, यदि नहीं है तो आप याद कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, 1 से लेके 9 तक तो हम कर सकते हैं। पूरा खेल इन्हीं का है, 1 से लेके 9 तक जो क्यूब लिखे हैं इन्हीं का पूरा खेल है। इन्हीं के ऊपर ये जो 1 से लेके 9 तक क्यूब लिखे हैं, इनके ऊपर ये जो आपको साइड में ये टेबल दिख रही है, ये पूरा टेबल इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यदि आपको ये 1 से लेके 9 तक क्यूब याद नहीं है, तो आज के लिए हम लोग ये टेबल को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक ढूंढ लेते हैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप इनको देखिएगा, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं उनको, देखिए आप, तो इसको अगर आप याद कर लोगे तो आपको ये टेबल बहुत आराम से याद हो जाएगा। जैसे 8 यदि किसी में लास्ट में आता है तो उसको 2 लिखिएगा, और यदि इसी प्रकार 2 आएगा तो 8 लिखिएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उल्टे हैं, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, ठीक है। इसी प्रकार 3 आएगा तो 7, 7 आएगा तो 3, 7 आएगा तो 3 और 3 आएगा तो 7। बस ये याद कर लीजिए, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, और बाकी सारे नंबर एज इट इज़ चलेंगे। बस आपको ध्यान रखना है 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, और बाकी इसके अलावा जितने भी सारे नंबर है 1, 4, 5, 6, सारे के सारे वही के वही, 1 का 1, 3 तो रहने दीजिए, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, एंड सो ऑन। सारा टेबल आपको बिल्कुल याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, बस आपको ध्यान रखना है 2 का 8, 8 का 2, और 7 का 3, 3 का 7। अब मैं सारा हटा देता हूँ, और इसके बाद बिना किसी भी मदद के हम लोग ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट से ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन मतलब हिसाब से, मतलब बिना कॉपी पेन के। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 59319, ये किसका क्यूब रूट है। पहली स्टेप क्या सिखाई थी मैंने अभी आपको, लास्ट में 3 डिजिट को राउंड ऑफ किए, जी 9, 9 का 9, बस हमें ध्यान रखना है 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी इसके अलावा कुछ भी आता है वही का वही लिख दो, 9 का 9। अब इसके अलावा आप लिखने के बाद सबसे पहले आगे देखिए 59, जैसे 4 का होता है, 4 का 64 होता है, 4 का 64 ज़्यादा हो जाएगा, हमें 59 से छोटा लिखना है, तो 59 से छोटा किसका हो जाएगा, 3 का 27, तो 3 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 39। पेपर में भी आपको बिल्कुल इसी प्रकार से करना है, कोई टेबल नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा फटाफट से आप आंसर कर देंगे, मात्र 2 सेकंड लगेंगे आपको करने में, देख के ही आप आंसर कर सकते हैं। यही खासियत है इस शॉर्ट ट्रिक की, सिखाने के पर्पज़ से वो मैंने आपको बताया था सारा, आपको कुछ भी इसके अंदर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट से, 79507 किसका क्यूब है। जैसे आपको दिख रहा होगा लास्ट में, इसमें देखिए लास्ट इसमें क्या है, लास्ट में पहले राउंड ऑफ करीजिए, लास्ट में 7 है तो 7 का क्या सिखाया था, 3, 7 का 3, 7 आएगा तो 3 लिखिएगा। अब इसके आगे देखिए 79 से छोटा, 79 से छोटा आपको क्यूब रूट क्यूब लिखना है यहाँ पर, तो 4 का क्यूब जो होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 5 का क्यूब क्या होता है, 125, 5 का ज़्यादा है, ज़्यादा लेना नहीं है हमें, 4 का ही लेना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 43, 43, तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा आपका 43।
मज़ा आ रहा होगा आपको दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। आप क्वेश्चंस जो भी आएंगे पेपर में आप देख के ही कर सकते हैं उनको, ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ भी करना नहीं रहेगा। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। आप घर में अपनी मर्जी से 2-3 क्वेश्चन लेके देखिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अब हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।